कोविड-19 वैश्विक महामारी से लगातार लड़ रहे जंग कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बिसोली के रहने वाले इदरीसी प्रवास समाचार पत्र के संपादक अब्दुल फरीद इदरीसी ने योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अब्दुल फरीद इदरीसी ने बिसोली तहसील के उप जिलाधिकारी CP सरोज के लिए प्रशस्ति पत्र देकर उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। इसी क्रम में तहसीलदार करणवीर सिंह, कोतवाल पंकज लवानिया, कस्बा चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह, ड्राइवर मोहम्मद मुस्तफा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसोली के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुशांत बनर्जी व बिसोली ब्लॉक के समाज सेवी विजय सिंह के अलावा अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। अपना नाम बताइए पहले सर। मैं इदरीसी प्रवास न्यूज पेपर चीफ एडिटर फरीद इदरीसी हूँ। सर, तो ये आपके कैसे दिमाग में आया था ये प्रशस्ति प्रमाण पत्र युवा अधिकारियों को या उसको समाज सेवी को देना? दिमाग में आने का मतलब ये है कि मीडिया की नज़र नेगेटिव पॉइंट पर भी रहना चाहिए और पॉजिटिव पर भी रहना चाहिए। अभी हमने देखा कि पिछले लगभग 2-2.5 माह से प्रशासन पूरी तरह से तन मन धन से लगा हुआ था और जहाँ जहाँ लोग नहीं पहुँच पा रहे थे भय में, खौफ में, कोरोना में, उसमें भी प्रशासन के लोग मैंने देखा, न रात देख रहे थे न दिन देख रहे थे, पूरी तरह से लगे हुए थे। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लगा हुआ था। जब ऐसे समय में लोग अपनी फैमिलियों के साथ सुरक्षित बैठे हुए थे, उन्हें सुरक्षित करने के लिए पुलिस के लोग, अस्पताल के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता गरीबों को घर घर खाना ढूंढ ढूंढ के पहुँचा रहे थे। हमने देखा मजदूरों की सेवाएं भी कर रहे थे, खाना पानी भोजन। तो एक तरह से जो इस तरह की जागृति और ड्यूटी के प्रति जो अपनी कर्तव्य निभा रहे थे, तो वही प्रशस्ति पत्र, क्या आप उसमें थोड़ा सा उत्साहवर्धन तो कर सकते हैं? कैसे कैसे लोगों का आपने उत्साहवर्धन किया, किन लोगों को किया? हमने प्रशासन में देखा कि हमारे SDM साहब बिसोली में हैं, उनकी सेवाएं इतनी तेज थी, मैं देखता था कि वो ना दोपहर देख रहे थे ना टीवी देख रहे थे, जो खबर आती थी भागते थे। उनके साथ CO सर्किल बिसोली बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे थे, पूरा मेंटेन किए हुए थे शहर को। कोतवाल पंकज लवानिया पूरा मेंटेन किए हुए थे कोतवाल को, और कोतवाल पंकज लवानिया जी और चौकी इंचार्ज बिसोली सुरेंद्र सिंह जी ने पूरा कस्बे में घूम घूम के इन लोगों ने, मैंने देखा कि अगर इनकी जगह मैं होता तो मुझसे भी इतनी ड्यूटी नहीं हो पाती समझ के, जितना इन लोगों ने किया। और स्वास्थ्य विभाग का तो ये आलम था कि इन्हें यही पता नहीं था कि अगर वो 12 बजे पेशेंट आ रहा है या 4 बजे आ रहा है या 3 बजे आ रहा है, ये लोग भागे पर रहे थे। तो कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते, एक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, उत्साहवर्धन कर सकते हैं, ये सोच के मैंने किया। और समाज में भी जो समाज सेवक हैं वो सब मेरी निगाह में हैं, जिन लोगों ने पानी खाना बिस्किट और सेवाएँ करी हैं लोगों की, वो सब मेरी नज़र में है, मैं उन तक भी पहुँचूँगा और उन लोगों के लिए भी मैं उत्साहवर्धन करूँगा। साथ ही मेरे मीडिया के कुछ साथी हैं, जिन मीडिया के साथियों ने इस कठिन समस्या में, भयंकर दौर में अपनी पत्रकारिता का सही कर्तव्यों का निर्वहन किया है, जिम्मेदारी निभाई है सही रूप में, वो भी मेरी नज़र में है, उनके लिए भी प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और कुछ समाज सेवक हैं, सामाजिक साथी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने कामों का चर्चा ही नहीं किया, न सोशल मीडिया पे, न कहीं कहीं प्रिंट में, कहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, बस वो सेवा करते रहे, मन से सेवा करते रहे। उन लोगों पर भी हमारी निगाह पहुंची है, हम उनका भी हौसला अफजाई करेंगे, उनका भी प्रोत्साहन करेंगे। भाई, इंसान का फर्ज है कि कोई काम करता है तो कोई हौसला बनाए, बस यही चीज़ हमारे दिमाग में थी और इसीलिए इदरीसी प्रवास की तरफ से ये प्रशस्ति पत्र वितरण का ये कराया गया। और हमने पर्सनली जाके लोगों से मिले हैं, पर्सनली जाके उनका हक मैंने हमदार को पहुँचाया।